गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित संतवानी, योर मैथ्स फैकल्टी। और जैसा कि आप सबको पता है कि करियर पॉइंट ने क्रैश कोर्स चलाया है जिसमें हम मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं टेंथ बोर्ड से रिलेटेड वो पढ़ रहे हैं। और हम अपने तीन टॉपिक्स रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एलजेब्रा का ही पार्ट है। मैं पहले बता चुका हूँ एलजेब्रा पूरी चार चैप्टर्स की है जिसमें पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपके 20 मार्क्स कंस्टिट्यूट करते हैं बोर्ड मार्क्स में, बोर्ड में। और आप उसमें पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन हम कर चुके हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहली चीज तो हमें पता ही है कि हम पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट मीन जिसकी डिग्री 2 हो। तो इक्वेशन मैं पहले बता चुका हूँ इक्वेशंस होती क्या है, इसमें दो पार्ट होते हैं LHS और RHS। मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेट टू 0 हो जाए तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बेसिक डेफिनेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की है कि कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में हो जिसमें a, b और c यहाँ पे आपके रियल नंबर्स हैं। और सबसे मेन कंडीशन a should not be equal to 0, अगर ये कंडीशन हुई तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। a should not be equals to 0 का रीजन ये है कि अगर a 0 हो गया तो ये आपकी इक्वेशन सिर्फ bx + c ही रह जाएगी। bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन हो जाती है। तो जो प्राइमरी कंडीशन है वो यही है कि यहाँ पे a should not be equals to 0 और a, b और c आपके रियल नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने क्लास 10 तक अपने आपको रियल नंबर तक ही कन्फाइन कर रखा है। क्लियर, एग्जाम्पल है जैसे 2x² + 3x + 6 = 0, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर a, b और c तीनों आपके रियल नंबर्स हैं, इसके अलावा a इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, अब सबसे पहले आता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कहूं सॉल्यूशन कहूं, बात देखिए कि अगर वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की ऐसी कोई भी वैल्यू पुट करने पर आपकी जो इक्वेशन है वो इक्वेट टू 0 हो जा रही है, मतलब वेरिएबल एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जिससे कोई भी इक्वेशन 0 हो जा रही है, जिसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, तो इट इज द रूट ऑफ इक्वेशन। रूट कहें या उसे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो रूट्स निकालने के मेथड हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, दो तीन मेथड्स हैं हमारे पास और फिर उनसे बेस कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्राइमरी कंडीशन मैं बता चुका हूँ, ये आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 4.1 के क्वेश्चंस भी हैं, जहां आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई इक्वेशन जो गिवन इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो करने का जो तरीका है वो यही है कि आपको चेक करना है कि जो कोफिशियंट्स हैं वो रियल होने चाहिए। सेकंड जो कंडीशन है वो x² का कोफिशियंट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहां पर पहली इक्वेशन में हमें तीनों स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है, x² का इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से इक्वल्स टू 0 से, तो आपको a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 6, तो तीनों कोफिशिएंट रियल नंबर्स, a नॉट इक्वल्स टू 0, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है x - 3, 2x + 1 = x × x + 5। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता पड़ जाए कि x² की टर्म आ रही नहीं आ रही। बेसिकली किसी भी इक्वेशन को अगर चेक करना है तो उसमें यही चेक करना है कि x² की टर्म आना जरूरी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी। ट्वाइस ऑफ x² x - 6x - 3, यहां पे x² + 5x, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² x - 6x - 5x, ये आके -10x और -3 = 0। तो अब ये जो फाइनल सॉल्व होने पर ये जो इक्वेशन दिख रही थी, ये फाइनल सॉल्व होने पर एक इस तरह की इक्वेशन बन रही है। इसमें x² का कोफिशियंट है, बाकी दोनों कोफिशियंट रियल है, तो यस इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर x का कोफिशियंट 0 हो भी जाता है तो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। क्यों? बिकॉज हमें जो कंडीशन चाहिए वो ये चाहिए, इसमें x का कोफिशियंट 0, कांस्टेंट 0 हो सकता है बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्लियर, थर्ड है x + 2 का होल क्यूब 2x × x² - 3, वापस सॉल्व करेंगे
तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो a प्लस बी का होल क्यूब रहेगा। मैं रिकॉल करा देता हूं इस फॉर्मूले को, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल क्यूब है। तो आपके पास x प्लस 2 का होल क्यूब है, x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x हो जाएगा। और ये किसकी इक्वल है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इक्वेट करेंगे ट्वाइस ऑफ x क्यूब माइनस 6x। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहां पर x क्यूब आ गया प्लस 16x स्क्वायर माइनस 18x एंड माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखें तो यहां पर क्वाड्रेटिक मतलब ही क्या, 2 डिग्री जिसकी 2 हो, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में पढ़ा चुका हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री हाईएस्ट 2 हो, यहां पर जो डिग्री है वो 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। रीजन कि यहां इसकी डिग्री 3 हो गई, तो डिग्री 3 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर रीजन, यहां पर जो हाईएस्ट टर्म मतलब जो एक्स के जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो 3 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी सेम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। देखिए यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब जो हमारे पास रह गया वो रह गया 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए जो कंडीशन है वो यही है कि जो आपकी ए एक्स स्क्वायर मतलब ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में भी लिखूं तो 0x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहां पर x a जो है वो 0 हो रहा है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर, आप लोग नोट कर लीजिए। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन के बारे में बता चुका हूं कि वेरिएबल की ऐसी कोई भी वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन अगर जो आपकी LHS वो 0 हो जा रहा है तो फिर वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्लियर, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है वो हम पॉलिनोमियल में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वहां भी हमने जब रूट्स निकाले थे या उनके बीच का रिलेशन निकाला था तो वहां पे हमने इसको यूज किया था। जो फर्स्ट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कहूं या इसको आप मोस्टली जानते होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जहां पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। इसके वर्किंग प्रोसीजर है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको करना क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए किस फॉर्म की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपको करना क्या है, ए और सी का प्रोडक्ट लेना है। क्लियर, ए और सी का प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद जो आपकी मिडिल टर्म आती है इन दोनों का प्रोडक्ट लेके उसको फैक्टराइज कर लो, ए और सी के जो प्रोडक्ट है उसको फैक्टराइज कर लो और उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड करके बी बनाना है। इट मींस बी को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, जो आपने बी को दो फैक्टर में स्प्लिट किया है उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो आपको बी मिल जाए, बट उनके प्रोडक्ट से आपको ए और सी मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस तरह के टर्म्स के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, कि पहले ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद बी को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बी देगा और उनका प्रोडक्ट आपको ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल देगा विद साइन। साइन का बहुत ध्यान रखना है कि प्लस है ए और सी का प्रोडक्ट तो प्लस ही आना चाहिए और माइनस है तो नेगेटिव ही आना चाहिए। क्लियर, ये आपकी स्टेप नंबर 1 है जहां आपने इसको स्प्लिट कर दिया। स्टेप नंबर 2 में मिडिल विद दोज नंबर्स, वही आपको उस जो बी को आपने स्प्लिट किया उसको लिख दो इस वे में। स्टेप नंबर 3 में फैक्टर द फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2। अब आपकी जो बी थी, जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में बन गई होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स बी टू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब आप इनकी कॉमन फैक्टर ले लो, इन दो में जो कॉमन आ रहा है उससे एक बना लो और लास्ट की दो टर्म है उनको सेपरेट करके अलग कर लो। यहां से जो कॉमन टर्म्स आ रही है वो ले लो। एक चीज और ध्यान रखनी है कि कॉमन जो आएगा वो दोनों पार्ट्स में सेम आना चाहिए, मतलब कॉमन लेने के बाद जो टर्म रिमेनिंग बचेगी वो सेम आनी चाहिए।
ये बहुत ध्यान रखना है कि दोनों सेम आए, नहीं आ रहे तो आप अपने फैक्टर्स को चेक कीजिए, या बी को जो आपने स्प्लिट किया है उन फैक्टर्स को चेक कीजिए कि वो स्प्लिटिंग सही हुई है या नहीं हुई। स्टेप फोर में फिर उसके बाद दो न्यू टर्म्स आ गई और उन न्यू टर्म्स को हम विजिबल कॉमन विजिबल फैक्टर के साथ लिख लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं अब इन स्टेप्स को। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन, तो आपके पास अब सॉल्यूशन देख लेंगे इसका। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से, जिसमें ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस थ्री और सी की वैल्यू माइनस टेन। ये आ चुकी है, करना क्या है, ए और सी का प्रोडक्ट, ए इंटू सी करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का टेन। क्लियर। अब बी को इस तरह से ब्रेक करना है, आपको पता है टेन है, टेन के फैक्टर क्या आ सकते हैं, फाइव इंटू टू, मैं टेन को लिख सकता हूँ फाइव इंटू टू। और अब आपके पास थ्री है तो थ्री को आप फाइव माइनस टू लिख के कर सकते हैं। इसी तरह एक्स स्क्वायर, अब यहां पे माइनस साइन है, जब भी अगर प्लस साइन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस साइन है तो इस कैलकुलेशन मिस्टेक जो हो जाती है वो इस नेगेटिव साइन की वजह से हो जाती है। तो आपको करना क्या, ब्रैकेट का यूज कीजिए, ब्रैकेट आपको बहुत इजियर वे में सिंप्लीफाई करा देगा चीजों को। तो यहां पर आप फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, अगर आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लिए, फाइव टू जा फाइव इंटू माइनस टू इक्वल टू माइनस टेन आ रहा है जो हमें चाहिए था प्रोडक्ट में। अब इन दो के अलग पेयर, इन दो का अलग पेयर, स्टार्टिंग फर्स्ट टू जो टर्म्स है उनका पेयरिंग और इसकी पेयरिंग, यहां से कॉमन एक्स आ रहा है तो ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस वाई। अब ध्यान रखिए, मैंने बताया था कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर है वो कॉमन आना चाहिए दोनों में, तो यहां जो कॉमन आ रहा है वो प्लस का टू आ रहा है, तो एक्स माइनस फाइव ये भी कॉमन आ गया, यानी ये और ये दो कॉमन आ गए, दोनों टर्म सेम आ रही है, एक्स माइनस फाइव को कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। क्लियर, कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले ए इंटू सी का प्रोडक्ट किया, बी को इस तरह से स्प्लिट किया कि उसके सब्ट्रैक्शन से तो हमें बी मिल रहा था लेकिन उसके एडिशन से हमें ये दोनों फैक्टर्स मिल रहे थे। अब करना ये है एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस टू है, इनको इक्वेट टू जीरो कर लीजिए, तो एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो तो एक्स की वैल्यू फाइव, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो तो एक्स की वैल्यू माइनस टू। क्लियर हो गए फैक्टर्स और ये दो वैल्यूज आ चुकी। नेक्स्ट देखते हैं रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू। रूट टू देखकर, रूट देखकर ही कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट कैसे करें, सॉल्व कैसे करना है, तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इस तरह में, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसी को ही फॉलो करना है, अपने आप आंसर से आएगा, मैं बताता हूं कैसे। जैसे यहां पर आप देखेंगे रूट टू एक्स स्क्वायर सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू, ये आपके पास इक्वेशन है, इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से ए मिलेगा हमें रूट टू, बी आएगा सेवन और सी आएगा फाइव रूट टू। क्लियर। अब ए और सी का प्रोडक्ट करोगे तो फाइव रूट टू इंटू रूट टू, हाँ तो फाइव इंटू रूट टू इंटू रूट टू, इट मीन टू इंटू फाइव, ये इक्वल हो जाएगा आपके टेन के। अब टेन के फैक्टर क्या आ गए, फाइव और टू और सेवन है, तो सेवन को आप फाइव प्लस टू लिख सकते हो, तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी, क्लियर, इक्वेशन रिड्यूस हो गई, फैक्टराइज कर लिया। यहां से जो कॉमन आ रहा है वो देख लेते हैं, एक्स कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा रूट टू एक्स प्लस फाइव, यहां से रूट टू कॉमन लेंगे क्योंकि हमें सेम फैक्टर यहां भी लाना है, तो यहां पे बचेगा रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, दोनों में से वापस रूट टू एक्स प्लस फाइव रूट टू एक्स प्लस फाइव कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं इसको कॉमन, इक्वल्स टू जीरो, एक बार ये फैक्टर जीरो और एक बार ये फैक्टर जीरो, तो इसको जीरो की इक्वेट करेंगे तो यहां से एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस फाइव बाय रूट टू, यहां इस वाले से एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस का रूट टू। क्लियर, ये दो वैल्यूज आ गई, सिर्फ बिल्कुल सेम प्रोसीजर था, रूट से बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, वैसे ही करना है जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे
उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने आंसर निकाल लिया है। थर्ड है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस टेन। आप चाहे तो इसको नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेट टू जीरो ही है, तो चाहे मैं माइनस साइन कॉमन लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो, और माइनस ऑफ जीरो तो वैसे ही जीरो ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन रिड्यूस हो गई, ए यहाँ पे वन, बी यहाँ पे माइनस सेवन और सी यहाँ पे टेन है। क्लियर? तो ए इंटू सी का प्रोडक्ट आ रहा है टेन, फैक्टर फाइव इंटू टू और सेवन को लिख सकते हो फाइव प्लस टू, तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स, ये माइनस का साइन आते ही ब्रैकेट का यूज कर लेना है ताकि कंफ्यूजन ना हो और मिस्टेक्स होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाए, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट ले लिया। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो, यहां पर एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस फाइव माइनस टू कॉमन, एक्स माइनस फाइव कॉमन फैक्टर एक्स माइनस फाइव है, ब्रैकेट में एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। एक बार इसको जीरो के इक्वल, एक बार इसको जीरो के इक्वल, तो x की दो वैल्यू आ गई टू और फाइव। प्रोसीजर वही था, बस यहां पे माइनस का साइन था तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ माइनस को कॉमन ले लिया और उसके बाद इक्वेशन सॉल्व उसी मेथड से जैसे हम अभी तक करते आए हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो थोड़ा सा टिपिकल लगता है बट बहुत ईजी मेथड है और इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत अच्छा मेथड है। इस ये मेथड आपको आगे जाके क्लासेस, हायर क्लासेस में बहुत यूजफुल भी रहेगा। स्टेप्स बिल्कुल सिंपल है, मैं बताऊंगा आप इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करना यह है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आपको वन लेना है, तो वन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड। क्लियर? अब मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, कोशिश हमारी यही रहती है कि इन दोनों टर्म से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये a माइनस बी के में आएगा। क्लियर? जो आपकी ये टर्म होगी x के साथ वाली, वो आपकी जनरली प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी की टर्म होगी। ध्यान रखना ये टर्म जनरली जो आपकी इन दो फॉर्मूले में प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी की टर्म होगी, तो ये आपका a है। अब अगर आप इससे कंपेयर करो तो यहां पर इसको इस पे में लिख सकता हूं मैं टू, मैंने इसको इसलिए ऐसा लिखा ताकि ये टू ए बी की टर्म क्लियरली आपको दिख जाए। तो अब आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये जो b है ये कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो इस b को हम ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं इक्वेशन में, यानी जो एक कोफिशियंट है b बाय टू ए का, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि हमें जो चाहिए वो b स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर मिल गया 2ab मिल गया, तो b स्क्वायर चाहिए, तो उसका होल स्क्वायर ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी, प्लस c बाय इक्वल्स टू जीरो। अगर आप इसको अब कंपेयर करोगे तो ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और वो दो टर्म जाके कुछ इस फॉर्म की बन रही है। क्लियर? इसको पूरा फर्दर सॉल्व करने के बाद स्क्वायर हटेगा या अंडर रूट लगेगा, और अंडर जब भी स्क्वायर हटता है अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस का लगता है, उन दोनों को प्लस माइनस लगा के और उसके बाद दो रूट हम निकाल लेंगे। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगा अभी आपको, ये रहे पूरे स्टेप्स लिखे हुए, जो लास्ट में रिमेनिंग लेफ्ट टर्म बच जाती है उसे हम एक्स फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन करते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो वन करना है, तो डिवाइड बाय टू कर लेते हैं,
ये डिवाइड बाय 2 कर लिया, अब आपके पास इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय 2x प्लस 3 बाय 2 हो गई, 0 बाय 2 इक्वल्स टू 0 ही होगा, इसलिए मैं उसको डायरेक्टली 0 ही लिख रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने जैसे बताया था यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, और ये जो टर्म होती है वो प्लस 2ab या माइनस 2ab की होती है, उसी बेसिस पे फॉर्मूला बन जाता है। तो अब आप लिखोगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखिए इसको इस फॉर्म में लिख दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया ताकि आपको 2ab की टर्म क्लियरली दिखे। अब ये b वाला पार्ट मिसिंग है तो इसका स्क्वायर ऐड भी और सबट्रैक्ट भी, अब अगर आप यहां से देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज एक्स माइनस 7 बाय 4 का होल स्क्वायर हो गया ये, इक्वल्स टू उसको उधर ले जाएंगे तो 49 बाय 16 माइनस 3 बाय 2, क्लियर। थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 49 यहां एलसीएम लेंगे नीचे 16 ही आएगा, 38 जा, अब 49 माइनस 24 आपका 25 बाय 16 हो गया, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा लेकिन विद प्लस माइनस साइन, जब भी स्क्वायर हटता है अंडर रूट लगता है प्लस माइनस साइन, रीजन यही है कि किसी भी नंबर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर सेम है, तो जब भी स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, ध्यान रखने वाली बात है। इसको सॉल्व करेंगे, फाइव बाय फोर, एक बार प्लस एक बार नेगेटिव ले ले, यहां से एक बार प्लस लिया तो x माइनस 7 बाय 4 इक्वल्स टू 5 बाय 4, तो x की वैल्यू आएगी 7 बाय 4 प्लस 5 बाय 4 दैट इज 12 बाय 4 इक्वल्स टू 3, एक x की वैल्यू 3 आ गई, सेकेंड वैल्यू के लिए और ये आ गया आपका नेक्स्ट वैल्यू हाफ, तो दो वैल्यू 3 कॉमा 1 बाय 2, इसके सॉल्यूशन क्या हो गए x इक्वल्स टू 3 कॉमा 1 बाय 2, ये दो इसके सॉल्यूशंस हो चुके हैं। करना कुछ भी नहीं है, वही प्रोसीजर फॉलो किया जो x एक जो कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर का उसको डिवाइड कर दिया सबसे ताकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाए 1, उसके बाद इस टर्म को 2ab बनाना है, 2ab बनाने के लिए 2 इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 बाय 2 था तो 2 इंटू 7 बाय 4 हो गया। अब ये जो ये वाली टर्म होती है ये आपकी b है, तो b का स्क्वायर ऐड भी और माइनस भी ताकि हमें पूरा फॉर्मूला मिले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और उसके बाद फिर फर्दर सॉल्विंग वैसे ही की है, स्क्वायर आया तो अंडर रूट लगाया और उसके बाद फाइनली x को सॉल्व करके दो वैल्यूज निकाल ली, क्लियर। नोट कर लीजिए आप इसे, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3, अब वापस वही करना है एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 बनाना है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये कैंसिल होके यानी इक्वेशन आपकी कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कभी कभार याद नहीं रहता या ये वाली टर्म 2ab की है याद नहीं रहती, तो मैं बहुत एक शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूं कि कैसे इस चीज को आपको याद नहीं भी हो तो भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। करना यह है कि जो भी x का कोफिशिएंट हो, जो भी x का कोफिशिएंट हो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी हो, जैसे यहां रूट थ्री है, पहले 7 बाय 2 था तो हाफ से मल्टीप्लाई तो 7 बाय 4 हो गया, जो भी x का कोफिशिएंट हो उसको हाफ से मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या बचा, ये तो एज इट इज रहेंगे इनमें कोई चेंज नहीं, लेकिन यहां क्या बन गया रूट थ्री बाय 2, और जो टर्म ऑब्टेंड हुई हाफ से मल्टीप्लाई करने पर एक्स के कोफिशिएंट को उसका स्क्वायर ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी, उसका स्क्वायर ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी, बस अपने आप आपका दिख जाएगा ये ए स्क्वायर ये प्लस का बी और प्लस टू ए बी, बस ध्यान दे रखना है अगर इधर प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इधर नेगेटिव है एक्स के साथ तो माइनस का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो यहां पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी दैट इज एक्स प्लस रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, उधर ले जाओ तो ये थ्री बाय फोर माइनस थ्री बाय फोर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जीरो, तो एक्स प्लस रूट थ्री बाय टू इक्वल्स टू जीरो। अब एक चीज और, इस सिचुएशन में स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि एक्स की सिर्फ एक वैल्यू दे देते हैं, बट नहीं ऐसा नहीं है, ये इक्वल्स टू जीरो का मतलब है कि एक्स की जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो इक्वल आएंगी, क्योंकि यहां जब प्लस माइनस लगेगा तो ये इक्वेट टू जीरो ही होगा, तो इट मींस ये नहीं कि ये जीरो हो गया। अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस वे में लिखा जा सकता है, एक्स प्लस रूट थ्री बाय टू इंटू एक्स प्लस रूट थ्री बाय टू इक्वल्स टू जीरो, हो गए स्क्वायर को मैंने ब्रेक कर दिया। अब दोनों फैक्टर क्या करेंगे जीरो के इक्वेट, तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी माइनस का रूट थ्री बाय टू कॉमा माइनस का रूट थ्री बाय टू। ध्यान रखना दो वैल्यू शो करनी पड़ेंगी, एक वैल्यू शो करोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, दोनों वैल्यू शो करनी है। करने का तरीका बता दिया, ट्रिक बता दी, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, तो जो x का कोफिशियंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई, उसका स्क्वायर एड, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद फिर फर्दर सॉल्विंग वैसे ही जैसे करते आए। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे हिंदू मेथड भी कहते हैं, श्री श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, और बहुत ही अच्छा एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप रूट्स किसी भी इक्वेशन के इजीली निकाल सकते हो। ये बहुत चीजों पे कमेंट करने के लिए भी काम आएगा कि रूट्स कैसे हैं, नेचर ऑफ रूट्स में भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जिसको हम अभी फर्दर आगे डिस्कस भी करेंगे। बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, कैसे डिराइव हुआ मैं बताता हूं। यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, करना कुछ भी नहीं है, जैसे हमने पहले किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, ए से डिवाइड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू जीरो। जो एक्स का कोफिशियंट है उसको टू से मल्टीप्लाई, मतलब बी बाय टू ए हो जाएगा। अभी इसका होल स्क्वायर एड भी और सब्ट्रैक्ट भी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी बन गया, और ये दोनों टर्म हो जाके बी स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये तो जाके सब बी स्क्वायर बाय फोर हो गई है। क्लियर, बी स्क्वायर बाय फोर ए सी हो जाएगा, यहां पे ये फोर ए स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो गया, और अगर इसको थोड़ा नीचे लिखोगे तो ये फोर ए स्क्वायर आ गया, ये एलसीएम आ गया, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर था, एलसीएम लिया तो ये फोर ये बन गई टर्म। अब करना क्या है, स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का अंडर रूट लगता है, ये ध्यान रखना है, स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का अंडर रूट। क्लियर, अब ये फोर ए स्क्वायर है, ठीक है, इस प्लस वाली बी ए टर्म को उधर ले जाते हैं ताकि x का फॉर्मूला मिल जाए, x का फॉर्मूला यहां से आता है माइनस बी बाय टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। क्लियर, ये x की फॉर्मूला गया, और यही जो डेराइव किया हुआ x की वैल्यू है यही है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन शॉर्ट लिखूं तो माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, जो टर्म आ रही है यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जिससे इजीली वैल्यूज पुट करके ए बी और सी की आप कोई भी इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्लियर, मेन फॉर्मूला यही है, और ये याद रखना है आपको, डेरिवेशन नहीं भी याद हो चलेगा, बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप बेस कोई भी इक्वेशन कर सकते हैं, आगे वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी भी हो, किसी भी तरह की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत बेस्ट फॉर्मूला है ये।
क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए बहुत इजीली आंसर आएंगे आपके, 5x² + 13x + 8। सबसे पहले कंपेयर कर लीजिए ax² + bx + c = 0 से, a की वैल्यू आ रही है 5, b की 13 और c की 8, ये तीन वैल्यू आ गई। तो x = -b + -b² - 4ac/2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ध्यान रखना है ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है कि हम सिर्फ यहीं पे अपॉन में लेते हैं और यहां नहीं लेते, ये मिस्टेक्स कुछ स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो ऐसी मिस्टेक से बचना है आप लोगों को। पुट कर देते हैं वैल्यू, b की प्लस है तो -13, 13 का स्क्वायर अपॉन 2 × 5, जस्ट वैल्यूज पुट की। अब थोड़ा फर्दर सॉल्विंग करनी है, -13 + -√9/10, √9 आपका 3 होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस साइन कंसिडर करना है, और ये जो दो वैल्यूज आपको मिली हैं वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो हमें वैल्यू मिली है, एक्स की वैल्यूज हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो सिर्फ वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने वाली बात है और कुछ भी नहीं किया, जस्ट वैल्यू पुट की है और सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, x² + √2x - 6। देखिए अगर मेंशन ना हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन कीजिए, रीजन कि इससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी कम होंगी और बाकी दो मेथड जो है थोड़े से कॉम्प्लेक्स पड़ते हैं क्योंकि आप वहां आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ रहा है, यहां एक फॉर्मूले को लर्न करना है और उसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अगर मेंशन ना हो तो रूट्स निकालने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही यूज ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब जैसे 2√2x वाली टर्म है, इसको आप मिडिल टर्म से करते हैं या फैक्टराइजेशन से करते हैं, आंसर आएगा और गलत भी नहीं आएगा उन दोनों प्रोसीजर से भी, बट इस प्रोसीजर से आप थोड़ा रूट की कैलकुलेशन से बच जाते हैं। यहाँ आपको सिर्फ ध्यान रखना होता है तो रूट का इतना ज्यादा नहीं, वहां आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है जब रूट सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में फैक्टर्स निकालने में दिक्कत आती है कुछ स्टूडेंट्स को, तो इस कंडीशन में आप इस मेथड को ज्यादा प्रेफर कीजिए। अब x² + 2√2x - 6 है, वही प्रोसीजर है, x = -b + -b² - 4ac/2a, यहां से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू यहां पे a की वैल्यू 1 है, b आपका 2√2 और c -6 है। ध्यान रखिए साइन का मिस्टेक इस फॉर्मूले से तभी होती है जब आप विद साइन वैल्यूज नहीं डालेंगे, जैसे यहां -6 है तो c की वैल्यू +6 नहीं है, ये -6 है, विद साइन जाएगा। आप इसको कंपेयर करो ax² + bx + c = 0 से, तो यहां प्लस का c या -6, तो c = -6 होगा। यहां पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, टू का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8 और 4, 6 = 24 / 2। क्लियर, थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, √32 है। अब देखिए √32 रूट को आप सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो ये 16 × 2 और 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे ये लिख सकता हूं 4√2/2। देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल जो 8th क्लास में हम कैलकुलेशन करते थे स्क्वायर रूट निकालने का, वही है प्रोसीजर फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। 2 कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं यहां पे, ये बन गया एक बार प्लस एक बार माइनस साइन, तो दो रूट्स आ गए आपके पास, 2√2 - √2, एक तो ये और दूसरा आएगा -√2 और -2√2, ये दो वैल्यूज आ गई। चाहे तो √2 भी कॉमन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें,
रूट टू कॉमन लेने के बाद भी दो वैल्यूज आपको इजीली मिल जाएंगी। मतलब आप इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो एक्स इक्वल्स टू रूट टू या फिर माइनस थ्री रूट टू। क्लियर, ये दो वैल्यूज आपकी क्या है, रूट्स की वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी। सॉल्व करने का वही वे था। अब देखिए यहाँ रूट 32 आ रहा था तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम इसलिए होगा क्योंकि आप इसको सॉल्व करना जानते हो। क्लियर, नेक्स्ट है हाफ एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन रूट ऑफ 11x प्लस 1। देखिए हाफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 11x प्लस 1 तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है इक्वेशन क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 आ गया है, 1 बाय 2 आ गया है। तो अब करना क्या है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम ले लें इक्वेशन में, तो ये बन जाएगी कुछ इस फॉर्म में। क्लियर, अब इस फॉर्म में बन गई। अब इसको उसी वे से सॉल्व करते हैं जैसे करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फॉर्मूला यही है, वैल्यू पुट कर देते हैं। टू का स्क्वायर 4 इंटू 11 44 माइनस 8 44 माइनस 8 36 होगा और रूट ऑफ 36 कितना आता है 6। टू कॉमन ले लेते हैं तो रूट ऑफ 11 प्लस माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल तो दो रूट्स क्या आ गए x की दो वैल्यू, रूट 11 प्लस 3 और रूट 11 माइनस 3। क्लियर, वही प्रोसीजर फॉलो किया है, बस जो हाफ आया था, अगर ऐसा कभी आ जाए तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए। नोट कर लीजिए आप। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एमसीक्यू जब भी आए तो उनको आपको सिर्फ आंसर इन वन वर्ड ही करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन दिखाते हैं और वहां आप मिस्टेक कर देते हैं। वन मार्क्स के क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको मिस्टेक्स नहीं करनी, और मिस्टेक नहीं करनी तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिखेंगे तो भी आपको वन मार्क्स मिलेगा। बट अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो एंश्योर कर लीजिए कि आपके सॉल्यूशन में कोई भी मिस्टेक ना हो, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। और एमसीक्यू मीनिंग का मतलब वही है कि जैसे वन का आंसर बी है तो आप बी लिख के आ जाइए, उसके साथ आंसर लिख दीजिए। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से टाइम सेव करना है एमसीक्यू में, क्योंकि अभी ये आपके लिए नया पैटर्न है तो कन्फ्यूजन सा होता ही है। कुछ स्टूडेंट्स को पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ लेके आते हैं बट एमसीक्यू का कहीं से कहीं तक मीनिंग ये नहीं है कि आप उसको डिटेल प्रोवाइड कीजिए, वहां आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड करना है। जैसे हम ओएमआर फिल करते हैं, एनटीएससी स्टूडेंट्स जो होंगे उनको थोड़ा आइडिया होगा, बट जो ओनली बोर्ड प्रिपेयर कर रहे थे उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चीज है, बस मिनिमाइज स्टेप में काम करना है, स्टेप्स रिड्यूस करके काम करना है, कैलकुलेशन थोड़ी रैपिड रखनी है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, हाफ इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। अब अगर हाफ रूट है तो आपको पता है अगर रूट है तो वह इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो इसकी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हाफ, और इक्वेट टू क्या करेंगे 0। तो हमसे k की वैल्यू पूछी गई है, डायरेक्ट निकालेंगे, देखिए 1 बाय 2 का स्क्वायर। अब एक चीज, आप इसको डिटेल सॉल्यूशन में ले जाओ, अगर आपको इस टाइम बचाना है तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में अपनी कैलकुलेशन रैपिड रखनी है। फॉर एग्जांपल बताता हूं, अगर मैं इसको डिटेल वे में ले जाऊं तो 1 बाय 4 के बाय 2 माइनस 5 बाय 4 इक्वल्स टू 0, फिर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं सॉल्व करूं। इससे बड़े अगर आपको डायरेक्ट ही करना है, आपको k निकालना है तो इसको लिखिए k बाय 2 5 बाय 5 माइनस 1 बाय 4, ये स्टेप आप डायरेक्ट लिखिए। ये स्टेप आई कैसे, ये माइनस का 5 बाय 4 होता जाके प्लस हुआ, 1 बाय 4 होता जाके माइनस हुआ, और फिर एलसीएम लेने के बाद ये आ गया। तो आप तीन स्टेप बचा सकते हैं और उसको एक स्टेप में रिड्यूस कर दिया मैंने, डायरेक्ट लिखा। ये स्टेप आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की तो आप ऐसे चीजें कर लेंगे जहां पे आप स्टेप्स को मिनिमाइज कर लेंगे। रीजन ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनमें टाइम सेव करना है आपको, ठीक है। तो ये 5 माइनस 4 बाय 4 1 हो गया, तो k इक्वल्स टू, अब k बाय 2 इक्वल्स टू 1 हो गया, तो मेंशन नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है k इक्वल्स टू 2, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2,
क्लियर। तो आपका क्वेश्चन यही था कि आपके के की वैल्यू फाइंड करनी थी और ऑप्शन ए 2 इज द करेक्ट आंसर। जब आप आंसर की में लिखें तो आप चाहे ये पूरा पार्ट नहीं भी दिखाएं, इसको चाहे रफ में कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है और आपको 1 मार्क्स पूरा अवॉर्डेड है इसके लिए। इसमें कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। स्टूडेंट के माइंड में एक कंफ्यूजन रहता है कि सर ऐसे मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। और ये स्टेप भी इसलिए करें कि आप रफ वर्क में ऐसा सॉल्व कर लीजिए और स्टेप मिनिमाइज कर लीजिए। जितने ज्यादा ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अपनी कैलकुलेशन रैपिड भी कर सकेंगे और यहाँ पे टाइम सेव भी कर सकेंगे। हाँ, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहां आप पूरी कैलकुलेशन दिखाइए, वहां आपको उस चीज के ही मार्क्स मिलेंगे। बट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कैलकुलेशन के मार्क्स तो नहीं है, बट अगर गलत हो गए तो मार्क्स डिडक्ट जरूर होगा। क्लियर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग है सम ऑफ रूट्स एस 3। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, जो दो रूट्स निकलते हैं और उसका सम ऑफ रूट कितना बोल रहा है 3। तो अब या तो हर इक्वेशन चेक कर लो, या आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाय ए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी है। तो डायरेक्ट चेक करते हैं, ये आएगा 3/2 प्लस का 3/2, तो ये तो नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए 3/2। ये आएगा -3/-1। क्लियर। तो ये कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, डायरेक्ट आंसर आ गया। कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, माइनस बी बाय ए चाहिए था, प्लस का बी था, माइनस से मल्टीप्लाई किया, -3/-1, आंसर इज बी। क्लियर। विद इन 1 सेकंड आंसर आया, टाइम भी सेव कर लिया और आंसर भी आ गया। इफ द इक्वेशन हैज द वैल्यू ऑफ ए कैन नेवर बी, देखिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो कंडीशन वो यही तो है कि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अगर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सबसे प्राइमरी कंडीशन यानी 2a-3 नॉट इक्वल टू 0, वो यही तो पूछ रहा है। ए कैन नेवर बी, ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, अगर इसको 0 के इक्वेट पुट कर दिया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। मतलब अगर a 3/2 हो गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, तो a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3/2। इट मींस ऑप्शन नंबर a अगेन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इजी था, देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में एक चीज होगी कि आपको क्वेश्चन से ही आंसर मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा था, बोला गया था इक्वेशन क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, तो a की क्या वैल्यू नहीं हो सकती, तो a की वैल्यू 3/2 हो गई तो ये कोफिशिएंट जो है 0 बन जाएगा और फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। क्लियर। द इक्वेशंस हुज रूट्स आर 1 and 0 इज, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट 1 और 0 है, तो आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, दैट इज 1 + 1, 1 + 0 और अल्फा इंटू बीटा 0, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो k लगाने की जरूरत नहीं, जो हम पॉलिनोमियल में लगाते थे, यहां आपकी डायरेक्ट इक्वेशन क्या बन गई, x²-1 + 0, दैट इज x²-1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आप चाहे तो इसको इन इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते थे, या ये दो जो रिलेशन है इसका यूज करके भी डायरेक्ट आंसर आ सकता है। क्लियर। तो एमसीक्यू क्वेश्चन की अप्रोच क्या है ये मैंने आपको बता दी। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस और इस टॉपिक से जो रिलेटेड हमारे रूट्स निकालने के मेथड है मैं आज डिस्कस कर चुका हूं। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।